मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज फिर एक बहुत ही शानदार फीचर्स वाले फ़ोन का एक छोटा सा रिव्यू लेकर आए हैं, क्योंकि ये भी जो है आम यूज़र्स के सेगमेंट में एक बहुत अच्छा फ़ोन है, जो कि ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। 15,000 के आसपास इसका प्राइस पड़ेगा जब आप इसको फाइनली लेते हैं तो। और क्योंकि सैमसंग का है और सैमसंग जो है दोस्तों ब्रांड के नाम में हमेशा से ही बहुत अच्छा रहा है। और दोस्तों ये कोई भी हम आपको बता दें कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये सिर्फ जो है एज ए एक्सपर्ट सजेशंस के तौर पर हमारे व्यूवर्स के लिए है। दोस्तों देख सकते हैं आप ये फ़ोन M32, और ये अलग अलग सेगमेंट में जो है आपको मिलेगा। आप ये कुछ फ़ोन्स की जो है इमेजेस देख पा रहे हैं और क्वाड कैमरा के साथ ये जो आता है, और इसके जो बेसिक स्पेसिफिकेशंस वो हम आपको बता देते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये OneU 3.1 जो इनका ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर वर्क करेगा। एंड्रॉयड 11 आपको इसमें जो है देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों अलग अलग सेगमेंट है, 64GB, 128GB अलग अलग रैम के साथ आपको देखने मिलेगा। इसी के साथ आप देख सकते हैं 6.4 इंचेस का इसमें जो है स्क्रीन साइज़ है, और ये जो है अकेला अभी दोस्तों 4G ही है, और इसमें सुपर एमोलेड स्क्रीन का जो है यूज़ होता है, और सैमसंग के लगभग सभी मोबाइल फ़ोन्स में जो है एमोलेड स्क्रीन का जो है यूज़ हमेशा से होता हुआ आया है। और दोस्तों जो सबसे अच्छी बात है इस सेगमेंट की वो भी मैं आपको बताऊँगा। दूसरी बात ये, मैं ये फ़ोन्स जो चुन रहा हूँ ये क्यों, क्योंकि दोस्तों ये ज़्यादा प्राइस रेंज में नहीं है, और जो फ़ोन ज़्यादा प्राइस रेंज में नहीं होते हैं वो ही हम लोगों को देखने चाहिए, लेना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर आप ज़्यादा जो है कॉस्टली फ़ोन ले लेते हैं, और आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी इतनी ज़ोर से जो है चेंज हो रही है और जो है दिन ब दिन आगे बढ़ रही है, उसके कारण होता क्या है कि आप जो भी डिवाइस लेते हैं वो 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद आपको पुराना लगने लगता है, और हाई क्वालिटी के जो नए फ़ोन आने लगते हैं तो आपको ऐसे में लगता है कि आपका स्मार्टफोन कहीं ना कहीं पीछे रह गया। इसलिए दोस्तों स्मार्टफोन्स में जितना लगे उतना ही पैसा हमें लगाना चाहिए, और 10,000, 15,000, 20,000 तक के अच्छे से अच्छे स्मार्टफोन्स हमें लेना चाहिए। देख सकते हैं दोस्तों इसी के साथ आप जो है फुल HD इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले 90Hz डिस्प्ले के साथ जो है आपको दिखाई देगी, जो कि आप अंतर यहाँ पर अलग ही देख पा रहे हैं। ये जो दो स्क्रीन्स आपको दिख रही हैं 60Hz में जो ब्लरी मोशंस आपको दिख रहे हैं वही 90Hz में आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। इसी के साथ दोस्तों 800 नाइट्स इन हाई ब्राइटनेस मोड, ये जब दिन में आप जो है उजाले में जाते हैं सूरज की रोशनी में, वहाँ पर जब स्क्रीन में दिखना बंद हो जाता है, तो ये जो है आपको बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस देने वाला है। इसी के साथ दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो एक और बेहतरीन फीचर है, जो कि आज के टाइम में चाहे हम ट्रैवल करते हों या फ़ोन पर जैसा हो सकता है कि ऑनलाइन मीटिंग्स होती हों, क्लासेस होती हों, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसमें बैटरी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, और अब लगभग 4000mAh की बैटरी से उतना काम चलता नहीं है, तो इसमें जो है आप देख सकते हैं 6000mAh की बैटरी है। और इसी के साथ आपको 15W का इनबॉक्स चार्जर इसके अंदर मिलेगा। आप ये जो 4 कैमरा सेटअप देख रहे हैं इसमें, आप जो रियर साइड पर 64MP, 8MP, 2MP मैक्रो और 2MP डेप्थ सेंसर का कैमरा आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों मीडियाटेक G80 ये प्रोसेसर का यूज़ किया जा रहा है, जो कि बहुत ही शानदार प्रोसेसर कहलाया जाता है। और आप दोस्तों इसी में जो है यहाँ पर और भी सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर आपको ये देखना है कि ये इसके कितने इंचेस का ये जो है स्क्रीन है, और आपका जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है वो 20MP का है। इसी के साथ आपको 1TB तक जो है इंटरनल मेमोरी बढ़ाने के लिए भी इसमें माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट दिया हुआ है। एंड्रॉयड 11.0 ये इस पर काम करेगा, और ये इसकी जो है दोस्तों कुछ प्रोसेसर्स हैं, कोर प्रोसेसर 2GHz 1.8GHz पर, और मीडियाटेक हेलियो G80 ऑक्टा कोर प्रोसेसर इसमें यूज़ किया गया है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा ये फ़ोन है, और आप देख सकते हैं इसमें वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी NFC और कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी NFC जो है इनेबल्ड है। NFC का मतलब होता है हम कह सकते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जो कि आगे चलकर बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है, और ये बहुत अच्छी चीज़ भी होती है किसी किसी
लहजे से हम कह सकते हैं। और दोस्तों आप ये देख सकते हैं ऑडियो जैक भी आपको इसमें मिलेगा 3.5 mm का, और ये कुछ और इसमें स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं, 196 ग्राम इसमें वेट है। तो मैं दोस्तों आशा करता हूँ आपको अगर ये फ़ोन समझ आता है तो, और मैं आपको एक बार फिर बोल देता हूँ ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन फ़ोन्स को बाय कर सकते हैं। यहाँ मतलब किसी भी तरीके का आपको रिकमेंडेशंस इस तरीके से नहीं दिया जाएगा कि आपको ये लेना ही लेना है, बस हम सिर्फ उन पहलुओं पर बात करते हैं जिन पहलुओं पर जो है आम नागरिक या फिर फ़ोन यूज़ करने वाले लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता है, इसलिए हम इस तरीके के रिव्यूज़ लेकर आ रहे हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।